हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। गाइस, मैं आज मावा बनाया फ्रेश दूध से, घर में बनाया मैंने। सो मैं जिस दिन मैं भुजिया बनाऊंगी, सो आई वांट टू शो यू ब्लॉग्स पे। सो गाइस, अभी मैंने ये काजू लिया है, काजू को मैं यहाँ कटोरी पे डाल दूँ मेरा। काजू सो इसको भी मैं रेडी करके रख लूँ, तैयार करके रख लूँ। सो सारे धीरे धीरे चॉप करके रख रही हूँ मैं एक हफ्ते से पहले। ये है 50 ग्राम्स का है, ये आधा किलो है। सो ये आधा किलो है देखो, और ये मेरा बेटा भी खा रहा है तो मैं उसके पास रख लूँ। तो मेरा बेटा भी इधर साथ में है, वो भी खा रहे हैं। तो इधर पास में आ बेटा, तो देखो भी दिखाई देगा। सो वो काजू खा रहा है, सो खाने दो। ऐसे तो ऐसे नहीं खाते हैं, लेकिन आज खा रहे हैं। आज मीन्स खाते हैं, लेकिन इतना उसको इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसे कुछ स्वीट वीट में डालती हूँ तो खाते ही नहीं, लेकिन ऐसे खा रही है वो, कुछ सूखा सूखा ड्राई वाला खा रहे हैं। सो है ये है आलमंड्स। मैं आज दिन भर में मावा बनाया, स्टेयर कर करके मेरा पैर हाथ सब दुख रहा है, लेकिन कोई नहीं। आज मैं इसको करके रखती हूँ, फिर काल परसों कद्दूकस करके रखती हूँ, और काल परसों किशमिश वगैरह और बाकी वीडियोस में दूसरी ब्लॉग्स में आप लोग करें। आज यही करती हूँ, मेरे पास अभी टाइम है तो आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे दोपहर को बना के रखी है, आफ्टरनून को बना के रखी है। तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ गर्मा गर्म राइस रोटी बनाएंगे। सो अभी मेरे पास टाइम है, सो मैं इसको कद्दूकस करके रखूँगी। और बेटा, मम्मा ने क्या बोली, यहीं पे रखो, अभी यहाँ बैठो। सो गाइस, मैं इसी से कद्दूकस करूँगी, ये मेरी कद्दूकस है, मैं इसी से कद्दूकस करती हूँ। चॉपर भी है, लेकिन वो चॉपर टूटने का डर है, क्योंकि वो प्लास्टिक है। सो वो टूट जाएगा, तो क्योंकि ये सब थोड़ा हार्ड है तो टूट जाएगा। सो हम लोग जब भी गुजा वुजा कुछ चीज़ें बनाते हैं तो हम कद्दूकस करके ही यूज़ करते हैं। बस मैं किशमिश वगैरह मैं चॉप करूँगी उस चॉपर से। मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी तो फिर मैं उसमें शो करूंगी मैं कैसे चॉप करूंगी। सो उसके लिए काल परसों शूट करेंगे। सो आज मैं इसका शूट कर रही हूँ, ये गुजिया के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो सो गाइस, ये बड़े वाली मोटे वाले से करेंगे, ताकि गुजिया जो खाएंगे हम लोग का मुँह पर भी थोड़ा ड्राई फ्रूट आना चाहिए ना। सो इसलिए मैं मोटे वाले से करूँगी। तो देखो गाइस, देखते रहो, कैमरा को थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई देगा। सो ये रहा। सो मैं पहले किशमिश को कर रही हूँ। मुझे लग रहा है किशमिश को ज़्यादा ही वो हो रही है, ज़्यादा कद्दूकस हो जा रही है। सो शायद मेरे ख्याल से बादाम को ही कद्दूकस करेंगे और इसको कट करेंगे कट। सो आज अगर लेट हो गया तो बादाम को मैं काल करूँगी। सो गाइस, मैंने कद्दूकस ये यूज़ किया, लेकिन ये ज़्यादा टूट जा रही है, पाउडर सा बन जा रही है, कोई मोटा कोई पाउडर बन जा रही है। तो इसलिए मैंने ये वाला चॉपर यूज़ करती हूँ, मेरे पास ये वाला चॉपर है। तो एक्चुअली वो प्लास्टिक है, ये काजू जो है चॉप हो जा रही है, तो मैं इस तो काजू के लिए ये यूज़ करती हूँ, और बादाम के लिए मैं कद्दूकस ये यूज़ करूँगी। सो
तो इससे सही आएंगे। एरिका मम्मा ने बोला ना, क्या बोली थी मम्मा ने, इसमें मिक्स मत करो काजू वाजू, हाँ बादाम इसमें मत डालो काजू में, ठीक है। हाँ ये वाला ना, ये मैं मोटी वाली यूज़ कर रही हूँ, मोटी मीन्स मीडियम साइज वाली। इसमें ऐसे प्लेट्स होती है, देखो ऐसे प्लेट्स होती है, तो मैं छोटी वाली प्लेट्स यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस इसमें बहुत फर्स्ट क्लास चॉप हो रही है, देखो दर दरा सा, ये रहा देखो दर दरा सा, इतना मोटी इतना मोटी मोटी ही चाहिए, तो इतना ही मोटा करना है। एक्चुअली मैं इसको यूज़ नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये मैंने एक ट्राई करके दिखा तो ये अच्छे से चॉप हो गया। एक्चुअली मेरी ये ना काफ़ी पुराना हो गया, सो यहाँ पे देखो टूटा हुआ, देखो ये एक्चुअली कोई मेरी एक फ्रेंड यूज़ किया था, तो तब वो हो गया, टूट गया। सो इट्स ओके, काम चल रहा है। सो मैं नया, जब ये ख़राब हो जाएगा, अच्छे से ख़राब हो जाएगा, तो तब नया खरीदूँगी। सो तब तक काम चल रहा है, सो काम चला लेंगे। देखो कितनी अच्छे से कट हो जा रही है। सो अभी इसको कट कर लेंगे इसी से। सो इसको थोड़ा दबाना पड़ता है गाइस। तो आप लोग भी, आप लोग की होली में क्या क्या करने वाली हो, क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं स्वीट बनाने के लिए। हमारे घर पे ज़्यादा स्वीट नहीं खाते हैं, तो हम लोग तो सिर्फ एवरी ईयर हमारे घर पे बनती है भुजिया और नमक पारा, और कभी कभी क्या, कभी कभी मीन्स पूरी छोले ये सब बनता है खाने पे, तो कभी कभी खीर भी बनाती हूँ, लेकिन इतना स्वीट नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग को ये दोनों मियाँ बीवी को, हस्बैंड वाइफ को डायबिटीज़ है। सो हम लोग बनाएंगे, लेकिन परिवार में बांटेंगे भुजिया, और थोड़ा बहुत हमारे घर पे गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो घर पे भुजिया तो बनना चाहिए। सो सबके लिए बना रहे हैं, मेरा यूट्यूब फैमिली के लिए भी बना रही हूँ। सो मैं अपलोड करूँगी, तो आप लोग मेरे वीडियोस में खा लेना। एक्चुअली मेरा बेटा को भुजिया बहुत पसंद है, होली में बना, हाँ होली पे बनाती हूँ मैं भुजिया तो। सो उसको पहले से ही पसंद है, लेकिन मैं कभी कभार ही बनाती हूँ, तो इतना खाने का नहीं मिलता है उसको भुजिया। कभी मार्केट वाली स्वीट वाली एक आती है गुजिया, तो उसको कभी कभी मैं उसको खिलाती हूँ। बाकी 10 मिनट में जाके फिर नहीं खाना है तो ना, ओके। सो गाइस देखो कितना अच्छा, ओए होए देखो इतना अच्छे से चॉप हो गया है, एकदम एकदम दरदरा वाला, देखो दरदरा वाला, देखो दरदरा वाला है। तो अगर ये चॉपर से कट जा रहे हैं, तो मैं उसको भी कद्दूकस कर लेती हूँ। मुझे लगा अगर इससे भी ज़्यादा थीन हो जाएगा तो चाकू से, नाइफ से चॉप करूंगी सब ज़्यादा। मामा देख रही हूँ बेटा,
आप लोग भी होली एंजॉय करिएगा, हैप्पी होली सबको। कलर लगाने के बाद होली खेलने के बाद वीडियो बनाएंगे, सो मैं अपलोड करूँगा। आप लोग सब मेरे वीडियोस देखना और कमेंट करना आप लोगों ने कैसे होली मनाया। मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस के काम से देखो फुर्सत नहीं मिलता है, अभी भी फोन पे ही लगा पड़ा हुआ है। आज भी ऑफिस गया था तो मुझे बाबा मैं अकेले ने स्टेयर करके बनाया। तो ये चॉपर जो है बैठ के चॉपर नहीं कराया था, फ्लोर पे बैठ गया तो फ्लोर पे बैठ के चॉप कर सकते हैं, लेकिन टेबल पे बैठ के ना चॉप नहीं कर सकते, मैं खड़े होकर चॉप कर रही हूँ। मेरे पास पहले एक वो खींचने वाला चॉपर था, ऐसे खींचने वाली, तो उसका वायर है ना टूट गया, रस्सी जो है ज़्यादा हैवी लोड कर दिया था तो टूट गया, और जितना उसको चाहिए उतना ही डालना चाहिए सामान, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी काम करने का चक्कर में उसका वो कर दिया है। अभी धीरे धीरे फेस्टिवल रेडी आ रही है तो कुछ कुछ करने का शॉपिंग करने का चाहिए, मैं दोबारा से ऑर्डर दूँगी उसको बहुत जल्दी, क्योंकि ये वाला भी टूटने का टाइम आ रहा है, तो ये ऑलरेडी इसका ढक्कन क्रैक हो गया तो मैं इसका लूँगी। ये गैस बहुत अच्छा है, पार्टी सार्टी घर पे हो तो एकदम आप प्याज छील के रखो और चॉप करके रखो, स्लाइस स्लाइस करके रखो जितना बड़ा आपको लेना है, फिर आपको सिर्फ प्लेट चेंज करना है आपको जितना बड़ा। मेरे पास ये चार पांच प्लेट्स है, ये छोटी वाली है, सबसे छोटी वाली है और ये एकदम मीडियम से भी मीडियम साइज़ वाली है, फिर छोटा बड़ा और है मेरे पास, कद्दूकस वाला भी है, लेकिन ये कद्दू ये और इसका सेट कद्दूकस जो है ना थोड़ा डर लगता है मुझे, एकदम थीन है पतला है तो उसको पकड़ने के लिए ना कहीं ऐसा करते समय वो टूट ना जाए, तो इसलिए मैं उसको सिर्फ टमाटर के लिए ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर जो है लाइट है तो उसको सॉफ्ट भी है टमाटर, सो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं उसको टमाटर के लिए ही यूज़ करती हूँ। और इसके साथ जो स्लाइस भी आती है जैसे चिप्स के लिए काट चॉप होती है ना, स्लाइस करते हैं, तो इसके पास सब कुछ है। मैक्सिमम इसका 5 या 6 प्लेट्स आती है इसका, तो बहुत अच्छी है, अलग अलग साइज का वो दिया हुआ है, प्लेट्स दिया हुआ है, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो काटने के लिए, प्लेट्स में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं इस वाले पे पहले बार काजू काट चॉप कर रही हूँ, तो चॉप हो रहा है, तो इसका मतलब कर सकते हो आप लोग भी कर सकते हो, बस बादाम मत करना, बादाम में थोड़ा वो है हार्ड है ना, तो बादाम के लिए थोड़ा आलमंड के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। इसमें आप कर सकते हो किशमिश और काजू काट सकते हो, दो डाल रहे तो आवाज़ आ रही, सो देखते रहिएगा गाइस। सो गाइस मैं इतना चॉप कर लिया है और
अगर उस दिन अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं चॉप कर लूँगी। तो अभी ये इतना बचा दिया और ये काट के रखे, तो मैं डब्बा में फिल करके रखती हूँ इसको, काट के फिल करके। देखो एक डब्बा कर लिया है, सो इसको बंद करके रख देंगे। देखो यहाँ पर रख दिया चॉप करके। सो जिस दिन बनाएंगे उस दिन इजी पड़ेंगे, सिर्फ स्टफिंग बनाएंगे और उस दिन मैदा वैदा भी डसना होगा, तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं क्योंकि मेरे घर पे कोई हेल्पर नहीं है। सो मैं और मेरे हस्बैंड ही करेंगे उस दिन गुजिया वुजिया बनाना। सो मेरे परिवार लोग बहुत है लेकिन सब अपने अपने घर पे, और जो भांजे लोग हैं उनका ऑफिस है, उनके अकाउंट क्या बोल रहे हाँ कुछ मैसेज आया था, तो भांजे लोग हैं लेकिन उनका ऑफिस का छुट्टी नहीं मिल रहा है। मैंने एक दो लोग को बोली है आने के लिए, लेकिन अगर उन लोग ने बोला देखती हूँ मामी अगर छुट्टी मिलेंगे तो आएंगे, तो अगर उन लोग आएंगे तो हेल्प हो जाएगा गुजिया बनाते समय। सो काम भी हल्का पड़ेगा लेकिन श्योर नहीं है। सो तो मैं और मेरे हस्बैंड ही बनाएंगे उस दिन। सो मैं वीडियो अब शूट करूँगी, सो मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या करती हूँ फेस्टिवल में और क्या क्या करती हूँ, आप लोग सब देखते रहिएगा। सो लेट्स मैं ना बादाम को ट्राई करके देखती हूँ कि इसमें चॉप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस वाली प्लेट्स में मैं इस वाली चॉपर पे पहले बार मैं चॉप करके देखी हूँ, पहले बार चॉप करके देखी हूँ चॉप होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। अरे हो गया, सो ये भी इसी में चॉप हो जाएंगे। नहीं तो मैं पता है यही यूज़ करती हूँ कद्दूकस, लास्ट ईयर जो भी बनाया था इसी में हुआ था, तो इसी में दिन भर लग गया था लेकिन ये तो काम चल गया। मुझे लगा हार्ड हो गया लेकिन कट गया, देखो तो इतना इजीली कट जा रहा है। सो जितना इसको लिया ना एक डब्बा इस बादाम को भी चॉप करेंगे और बाकी नेक्स्ट ब्लॉग्स में दिखाती हूँ मैं क्या क्या करने वाली हूँ। डाल के प्रेस करना पड़ता है ऐसे ऐसे, गर्मी शुरू हो गया गाइस। सो आजकल ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर लेने से बहुत गर्मी लगती है। लेकिन हाथ से कद्दूकस करने से उंगली छिलने का डर होती है, उंगली कटने में दर्द होती है, डर लगता है, तो इसमें कोई डर वाली बात ही नहीं है। बस कद्दू बादाम जो भी है अंदर डालो और यहाँ पे से प्रेस कर दो। अगर गैस ज़्यादा मोटा चीज़ भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा होती है तो काटने में थोड़ा दिक्कत होती है। मैं काजू को जैसे चॉप किया वैसे ही इसको भी चॉप करूँ, जितना काजू की साइज है उतना बादाम का साइज भी आएंगे। मैं क्या क्या करती हूँ,
गाइस मैं सबको शो करती हूँ मीन्स मैं क्या क्या करती हूँ, सो आप लोग को दिखाती हूँ गाइस। आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखो, मैंने शायद लास्ट ईयर का होली का ब्लॉग्स भी डाली है, शायद वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। सो और दिस ईयर का भी मैं डालूंगी। सो देखना गाइस हमारे सोसाइटी में कैसे होली मनाते हैं। सो आप लोग का डिनर हो गया नहीं हुआ गाइस? जितने मेरी वीडियोस देख रही है, मैं सारे फ्रेंड्सों को पूछ रही हूँ, मेरे जितना मेंबर है यूट्यूब में, सो कमेंट करना गाइस, सब अपने अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना, अपनी चैनल का बताना क्या हो रहा है। बस मेरे चैनल में तो अभी तक 81 मेंबर ही बना हुआ है। सो गाइस अगर आप लोग को मेरे वीडियोस, मेरे चैनल कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, बेल आइकन क्लिक कर दिया करो। सो मैं भी नया हूँ मैं नई हूँ। सो मैं ऑल अराउंड चैनल बनाती हूँ, घर का, बाहर का, ट्रैवल का, बेबीज़ का, जिसको जो देखना है देख सकती है, मेरे उसमें सारे चीज़ें मिलेंगे। लोगों को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना गाइस और थंबनेल को दबा देना। आई ये तो ज़्यादा मोटा हो गया था, मैं ना पंखा चला देती हूँ, गर्म लग रहा है, गर्मी लग रहा है, सब पंखा ऑन कर लिया। इसको फिनिश करते हैं आगे, बादाम को थोड़ा ज़्यादा ही काट लिया था मैंने,
अगर काजू को भी ज़रूरत पड़ेगा तो और काटेंगे, अभी जितना है उस वही काट के रखते हैं। सो मैंने काजू को भी बादाम को इतना बचा दिया है, आधा से कम बचा दिया है, क्योंकि बादाम को थोड़ा ज़्यादा काटे हैं देखो, तो इसमें भर के रखेंगे डब्बा में कंटेनर में। सो ये पूरा फुल हो गया है देखो, ये एकदम दरदरा काटा है देखो, देखो गाइस ऐसे दरदरा, बड़े बड़े दरदरा दरदरा सा है, ये से दाना दाना सा देखो, दाना दाना सा दरदरा सा है। मुझे लग रहा है उसको भी फिर एक डब्बा भर के ही रखते हैं, इसको भी भर दिया है सो उसको भी थोड़ा काट लेते हैं काजू को भी। काजू को भी थोड़ा काट लेती हूँ ताकि पूरा एक एक डब्बा भर के रख देती हूँ। सो आप लोग अपने होली गुजिया के लिए क्या क्या यूज करते हो गाइस, थोड़ा सा मुझे भी शेयर करना आप वीडियोस और ड्राई फ्रूट वगैरह। मैं तो वो भी बताती हूँ मैं क्या क्या डालने वाली हूँ, मैं उसका भी ब्लॉग्स बनाऊँगी, वीडियोस बनाऊँगी। सो अपलोड करूँगी तो तब देखना मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, लेकिन आप लोग के बारे में मुझे बताना कि आप लोग क्या क्या यूज़ करने वाली हो। मैं उस दिन नमक कड़ा भी बनाऊंगी और लंच, और लंच में बनाऊंगी मैं पूरी छोले बनाऊंगी। सब लोग अपने अपने होली में मस्त रहेंगे, तो सब लोग अपने अपने घरों पर एंजॉय होंगे। हमारी फैमिली होंगे जितना वो नहीं होंगे, तो ज़्यादा खाना बना, ज़्यादा खाना नहीं बना, मतलब बनाना नहीं है, बस फैमिली के लिए बनाना है, अपने लिए मतलब ज़्यादा नहीं काटना है, थोड़ा सा काटना है बस। डब्बा को फुल कर देते हैं क्योंकि मैंने बादाम को फुल कर दिया है। इतने से ही भरना था तो ये भर जाएगा, मेरा भर गया। सो एक एक कटोरी मैंने दोनों को दिखाती हूँ मैं, ये है बादाम और ये है काजू, तो मैंने काट के रख लिया है, चॉप करके रख लिया है। ये एयर टाइट है तो ये सॉफ्ट नहीं होगा, देखो ये एयर टाइट है। एयर टाइट डब्बा है। सो इतना बच गया तो इसको भी मैं डब्बा पे फिल करके रखूँगी ताकि सो ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियोस देखने के लिए और मेरी वीडियोस लाइक्स करने के लिए। तो आई होप आप लोग को पसंद आएंगे, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, यूट्यूब फ्रेंड्स, आप लोग सब के लिए टाटा।